शहर का मतलब साफ मौसम तो कतई नहीं दे। नया सरप्राइज आप चेक करो। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक टीवीएस के सबसे ज्यादा हायर एंड सीसी में अपाची को एंटॉक में बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको यहां पे मिल जाता है। एंटॉक है ना बहुत बुरे हाल हो रखे हैं ना, थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त परमवीर नेगर, मैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली शहर से बिलोंग करता हूँ। बाकी नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे खूबसूरत शहर देहरादून से। और ये चेक करो देहरादून का वेदर। यहाँ पे आने का एक रीज़न है, वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगा। चलो मैं एक बार छत से आपको व्यू दिखाता हूँ। बाकी ये है अंशुल का रूम यहाँ पे, जो आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। बाकी चलो छत से आपको वेदर दिखाते हैं। ये है आपका जोगी वाला, और जोगी वाला से वेदर चेक करो। ये देखो भाई, शहर का मतलब साफ मौसम तो कतई नहीं देख रहे हो आप। चारों तरफ फॉग ही फॉग, ज़्यादा दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और देखो जी, बाल बोल भी काट दिए हैं, दाढ़ी वगैरह भी बनवा दी है, और अब लग रहे हैं हम थोड़ा इंसान, क्योंकि भाई इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए थे ना मैंने, मतलब लगा लो अब 6-7 महीनों से मैंने कटवाए नहीं थे बाल भी, और दाढ़ी तो खैर 1 महीना हो गया था बिना कटवाए हुए। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शरीफ लौंड है ना। तो बाकी ब्लॉग में बने रहना, मज़ा आने वाला है आपको, बिकॉज आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज़ भी है। और देहरादून जब भी मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सरप्राइज आप लोगों के लिए ज़रूर होता है। करते हैं नाश्ता। देखो ये भाई नाश्ते में पराठे। अभी नाश्ता वगैरह कर दिया, और आप लोगों के लिए जो सरप्राइज़ था मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रहा नहीं जा रहा मेरे से ना। लेट्स चेक करो, वो था आप लोगों के लिए सरप्राइज़, अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई जो अपाची 164 भी है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक, तो मैं उसको काफ़ी टाइम से परचेज करने का सोच रहा था, तो अभी आप लोगों दिखाते हैं। ये चेक करो भाई, फाइनली मैंने इसको ले लिया है। बाइक एकदम पूरी सेक्सी लुक है, भयंकर, मतलब एकदम प्यारी बाइक है, ये मेरी बहुत फेवरेट बाइक है। तो फाइनली मैंने इसको मतलब हफ्ते भर पहले ले लिया था देहरादून में, स्पेशली इसके लिए आया था, और यही आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था। यहाँ मैं स्कूटी में आया था, और यहाँ से बाइक में जाऊँगा, मतलब इस वाली बाइक में। तो भाई चेक करो, यह है अपनी अपाची 164 भी, मतलब सही रेट में मिल गई तो हमने उठा दिए। देखो जी भाई, बाइक बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। तो अभी तुम्हारा भाई इस पर रैपिंग वगैरह करवाएगा। UK 07 देहरादून का नंबर है, चेक मारो भाई। इसको लेने का भी एक सपना था, ये मुझे सेकंड हैंड ना इतनी बढ़िया बाइक मिल गई, तो मैंने लेने के टाइम में 2% भी नहीं सोचा, तो मैंने सीधा ले ली थी। बाकी अभी शोरूम जाएंगे, और वहाँ पे हमारी स्कूटी है, स्कूटी के तो बहुत बुरे हाल हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं शोरूम, ठीक है, वहाँ पे आपको चेकआउट करवाते हैं क्या कंडीशन है अपनी स्कूटी की। ये है जी अपना विराज टीवीएस। देहरादून में जब भी आता मैं तो हमेशा यहाँ आपको ज़रूर लेके आता हूँ, तो चेक मारो। TVS गाड़ियों का सबसे ज़्यादा स्टॉक आपको यहीं पे मिलेगा, अपाची से लेके पूरे हायर सीसी में गाड़ी जितनी भी हैं, चेक मारो एक बारी। और TVS की इलेक्ट्रॉनिक IQ ये सामने है आपके। TVS की सबसे ज़्यादा हायर एंड सीसी में अपाची RTR 310 आती है, और अपाची RR 310 ये वाली, और ये वाली अभी जस्ट लॉन्च हुई है कुछ महीने पहले, चेक मारो भाई फ्रंट साइड। और यह है आपकी 225 सीसी में अपाची रोनिन। बाकी यहाँ पे आपको 125 एंड 110 सीसी में मिल जाएगी। 125 में राइडर है, और 110 सीसी में ये हैं आपकी, बाकी अपाची है
ये मैट सीरीज में है अपाचे आर टी आर 200, दोनों 200, 160 एंड ऑल्सो 160, चेक करो भाई। और थोड़े ही मतलब पीछे वाले यार्ड में आपको मिलेगी 110 सीसी, 125 सीसी ऑल टोटल स्कूटी, पूरी अवेलेबल है आपको। एंटॉक में बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरा। तो भाई मतलब विराज टीवीएस में ना स्टॉक की कमी नहीं है, इतना स्टॉक है कि बस क्या ही बोला, सबसे ज़्यादा स्टॉक पूरे देहरादून, शायद उत्तराखंड में भी हो सकता है। चेक मारो भाई। भाई जब भी मैं यहाँ पे जॉब पे था तो इतना स्टॉक उस टाइम पे भी रहता था, लेकिन मेरे टाइम पे ना रोनिन नहीं आई थी, जो 225 सीसी में बाइक है। और जो एंटॉक का टॉप मॉडल आया था ना 125 सीसी में एक्सटी, वो पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले मैंने ही बेचा था, मतलब मेरा ही कस्टमर था वो सबसे पहले, और हमारे ही शोरूम में वो आई थी। चेक करो बाकी भाई यहाँ पे ना आने का मेरा रीज़न यही है कि जो एंटॉक है ना बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसी अपनी स्कूटी की हाल है। तो ये है आपका सर्विस एरिया, यहाँ पे होती है सर्विस, हमारे सर्विस मैनेजर देखो कौन है, हमारे पीरपाल भाई, ये हमारे भाई, चला आ जाकर देखना। बाकी हम अपनी एंटॉक की हाल दिखाते हैं आपको कैसे है ना भाई, कहते टूट फूट इसमें बहुत ज़्यादा हो गया यार। तो ये अपनी एंटॉक, और इसका ना थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो पूरे पार्ट्स वगैरह इसमें नए पड़ेंगे, देख सकते हो आप कितने बुरे हाल हो रखे हैं ना गाड़ी के। तो ये है भाई इसके पार्ट्स के हाल, देखो सब पूरे लॉक लॉक इसके टूट गए हैं, एक ये पैनल है, एक ये है, और एक फ्रंट एरिया है, और इसका मड़गार्ड भी देखो पूरा छिल रखा है भाई पूरी तरीके से। सोचा नहीं था ऐसे हाल होंगे एंटॉक के ना। भाई इस राजपुर रोड पे ना हमेशा इतनी भीड़ रहती है। देखो राजपुर रोड एक ऐसी रोड जो आपको कभी खाली नहीं मिलेगी। चेक करो ये है सामने उत्तराखंड का सबसे बड़ा शोरूम एशल होंडा, होंडा का शोरूम। यहाँ पे आपका सिनेमा घर भी है, पैसिफिक मॉल भी इसी रोड पे है आपका, जाखन साइड। तो भाई दोस्तों अभी जा रहे हैं हम पल्टन बाज़ार, जो देहरादून का सबसे फेमस मार्केट है सभी चीज़ के लिए। ये सामने देखो आपके ये है घंटाघर, और सबसे ज़्यादा क्राउड यहीं पे रहता है। चेक मारो एक बारी। तो घंटाघर के राइट साइड में आपको ये पल्टन बाज़ार मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा भीड़ पल्टन बाज़ार में, और सबसे फेमस मार्केट पल्टन बाज़ार। वो क्यों है वो आपको अभी बताते हैं हम, किस चीज़ के लिए सबसे फेमस है। यहाँ पे मिलते हैं भाई कपड़े बहुत सस्ते, हर चीज़ मतलब सस्ती मिल जाती है। चेक चेक चेक, यहाँ इतनी भीड़ क्यों रहती है, कहीं 150 कहीं 200 भाई। अगर तुम्हें फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो डून लब में। बाकी भाई बालों की हालत ऐसी ख़राब होगी ना यहाँ हेलमेट रख रख के। तो ये है जी अपनी स्कूटी, और देखो अभी पूरी रेडी हो गई है, पूरे नए पार्ट्स इसमें आगे के पड़े हैं भाई साहब। बहुत यार नई स्कूटी ऐसे बुरे हाल हो गए थे ना, अभी देखो पूरी न्यू लग रही है। 3490 किलोमीटर टोटल आपकी गाड़ी की रनिंग हो गई, और देखो फाटक लग गया यहाँ पे भाई, इसमें तो सीधे सीधे आधा एक घंटा आधा नहीं 15-20 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। अब ट्रेन भी आ गई है, चेक करो। बाकी दोस्तों चेक करो ये है आज लगा हुआ है संडे मार्केट परेड ग्राउंड के पास, भाई सेल चल रही है भयंकर तगड़ी। भैया जीन्स वगैरह कितने की है? 500 की दो देख रहे हो भाई।
भाई यहाँ पे हुड हो गया, जैकेट होगी, पैंट होगी, जीन्स वगैरह जितनी भी हैं भाई, इतना सही रेट है ना, 300 में दो कर यार, बहुत तगड़ी सेल है भाई। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आपको देहरादून में परेड ग्राउंड जो है उसके पास, ये हमेशा संडे के दिन सेल लगती है। बाकी देखो भाई कपड़ा भी बहुत सही है, ये बाज़ारों में जो बिकता है ना 800, 900, 1000, 1500, यहाँ पे आपको मिलेगा मात्र 300।